हसीना जी, मैंने आपको बोला था ना, एक दिन आएगा जब आप होंगी इस थाने से बाहर और मैं आपको टाटा बाय बाय करने और खुद थाने के बाहर छोड़ने आऊंगा। तो लीजिए, आज आ गया वो दिन। पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल हुई, थाने से आउट, टाटा बाय बाय, उम्मीद है फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैडम सर, हम आपके साथ चलेंगे, हमने तत्काल प्रभाव में अपना ट्रांसफर करा लिया और वैसे भी आपके बिना हमारे थाने में कोई काम नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। चलिए। चलो संतोष। ये क्या संतोष शर्मा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम ऐसे लोगों के साथ जा रही हो जहां तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। थोड़ी अकल से काम लो, तुम्हारा फ्यूचर यही है इसी थाने में हमारे साथ, तुम्हें यही रहना चाहिए। मैडम सर, एक मिनट। संतु, उनकी बात बिल्कुल मत सुनो, हमारे साथ चलो। चलो संतु जी, आपको ना हम लोग के साथ रहना चाहिए। अरे वो कहावत नहीं सुनी है का, कि जहाँ का फूल वहीं खिले, अगर जड़ से टूटे तो कहीं कनार है। संतोष शर्मा, आप करिश्मा मैडम की जगह पर SI बन सकती हैं। अरे किसी की बात मत सुनो, तुम हमारे साथ चलो, अपनों के बारे में सोचो। चलो, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है संतोष, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। परिवार, करियर, प्यार, फ्यूचर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। संतोष जी, क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? उतरिए उतरिए, क्या हुआ? कौन पकड़ लिया आपको? क्या हुआ, क्या हो गया? किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है? आप ठीक तो हैं? एक मिनट, आप कहीं सपना तो नहीं देखी है? क्यों डर रही हैं आप? सपना कभी सच थोड़ी होता है। नहीं जीते, ये सपना ना सच होने वाला है, हमारा थाना हमारे हाथ से जाने वाला है। पहले सिर्फ पापा की टेंशन होती थी कि पता नहीं कब मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप में बैठा देंगे और शादी करा देंगे, और अब ये टेंशन रहती है कि पता नहीं कौन कब हमें हमारे ही थाने से निकाल देगा। जिसे थाना छूटेगा ना, तो एक दूसरे का साथ भी छूट जाएगा। पता नहीं किसका कहाँ ट्रांसफर होगा, कौन कहाँ जाएगा, हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लाइफ पे कितनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है ना, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। मैं कभी अकेले नहीं रही जीते, अपना थाना चली जाएगा तो क्या होगा मेरा, मैं कैसे रहूंगी, मैं क्या करूंगी तुम सबके बिना। हम आपका भाव समझ सकते हैं संतोष जी, एक गारंटी हम आपको पर्सनल लेवल पर दे सकते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए संतोष जी, आप कभी अकेले नहीं रहिएगा संतोष जी। जानती हैं क्यों? क्योंकि हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे संतोष जी। आप हमसे शादी कर हमको अपना हस्बैंड बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिएगा। हाथ छोड़। हाँ सॉरी जीते, मतलब कैसे मैं यहाँ पर इतने टेंशन में हूँ, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुझे ये घटिया प्रैंक और मजाक की पड़ी है? हद करता है यार। हाँ, हमें ना एक युक्ति आया है। हाँ है ना, क्यों ना आप अपना जो आपका फेवरेट फॉर्मूला है वो DSP सर पे अप्लाई कर दीजिए ना, उनका फेवरेट राजमा चावल बना के लेके जाइए। हो सकता है जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उसके लिए मना कर दे, दिमाग खिल जाए, बोले अच्छा ठीक है नहीं करना है, हो सकता है ना पुष्पा जी? कोई फायदा नहीं है। काहे काहे का काहे, अमर विद्रोही सर जो है ना वो हमसे भी ज्यादा अच्छे राजमा चावल बनाते हैं। हाय रफ आंटी, हाय टफ आंटी, उस दिन आपने क्या सुपर एक्शन किया था। पापा लड्डू। अरे हाँ, एक्चुअली ये लड्डू बनाए थे बंटी के लिए, जिद कर रहा था कि यहाँ लाकर आप लोगों को खिलाऊं। आफ्टर ऑल आप दोनों इसकी सुपर फेवरेट सुपर कॉप जो है, ये लीजिए। कल
बहुत स्वादिष्ट। जाओ बेटा, अभी दीवान जी आपका वेट कर रहे हैं, जाओ। अगर अच्छे लगे तो इसकी रेसिपी भेज दूंगा आप लोगों को। भी? हाँ, वो आप मेरे बनाए हुए राजमा चावल की तारीफ कर रही थी ना, थोड़ा लाउडर बोल रही थी इसलिए मैंने आते वक्त सुन लिया। तो टेस्ट कीजिए, टेस्ट अच्छा लगे ना तो दोनों की रेसिपी आपको एक साथ ही भेज दूंगा मैं। प्लीज आप भी खाइए ना। मैडम से लीजिए ना। पता है हमारी दिलचस्पी दुश्मनों को हराने में, उन्हें खत्म करने में नहीं, क्योंकि जो मजा हारे हुए दुश्मन को देखने में है वो मरे हुए दुश्मन को देखने में कहा। अरे खा लीजिए, जहर नहीं मिलाया इनमें। वैसे अच्छी बात है मिस्टर अमर विद्रोही, ये लड्डू उधार रहा, जब आप यहां से जाएंगे ना तो हम अपने हाथों से बनाकर आपको खुद खिलाएंगे। अरे आपके जज्बाती लड्डू आप ही को मुबारक। अरे जज्बात से याद आया, ये लड्डू देख रही हैं, जज्बात भी इनमें मिलाए हुए मीठे की तरह होते हैं। बैलेंस क्वांटिटी में ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कम रह जाए तो टेस्ट खराब, ज्यादा हो जाए तो हेल्थ खराब। वाकई बहुत ही अच्छे बनाए अपने अमर विद्रोही, कांग्रेस। आप पुलिस की नौकरी छोड़कर बावर्ची क्यों नहीं बन जाते? तजुर्बा कहता है हमारा कि जज्बात कोई नमक मसाले जैसा नहीं है जिसे नाप तोल कर इस्तेमाल किया जाए, उसमें क्वांटिटी नहीं ऑथेंटिसिटी मायने रखती है। इंसानियत बनाए रखना, सही का साथ देना, सच का साथ देना, इनोसेंस को बचाए रखना, ये सारी चीजें जो है ना, आप जैसे प्रैक्टिकल और इनसेंसिटिव इंसान को कभी समझ में आ ही नहीं सकती। इनसेंसिटिव? वाह, हमेशा हम मर्द इनसेंसिटिव होते हैं ना हसीना मलिक, आप औरतों ने तो ठेका लेके रखा हुआ है सेंसिटिविटी का, नहीं? खैर, अरे भाई और कौन बचा लड्डू के लिए? चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा, आ जाइए। जैन सर, जैन जैन। संतू का है? संतू को भी बुला ना, सर बुला रहे हैं। अरे संतू जी नहीं है। नहीं है? चली गई वो। कहाँ चली गई? अरे हमको क्या पता कहाँ चली गई, फोन किए उनको, उनका फोन नहीं लग रहा है, इधर उधर सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली हमको। चीता क्या हो गया, सब ठीक है ना? तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं मैडम सर, झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन संतू जी काफी परेशान लग रही थी, हम पूछे भी कि क्या हुआ है, फिर बताई नहीं हमको, खाली ऐसे टेंशन में घूम रही थी। परेशान तो होगी ना, ये पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है, फेल हो गई तो उसे टेंशन तो होगा, तो जाएगी ना। करिश्मा सिंह, आपसे कुछ बात करनी है, आप चेंज करके आइए प्लीज। जी सर। ऑल द बेस्ट। पर कहां जा सकती है इस तरह से बिना बताए? उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है मैडम सर। मॉडर्न टाइम पर ना सिर्फ हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, बल्कि हमारे टीनेजर्स, यंगस्टर्स, इनका दिमाग भी पॉल्यूट हो रहा है। मेरा मतलब है, दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और ना जाने क्या क्या। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉल्यूशन पिल्स, जो आज के यूथ के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो इंतजार किस बात का है, टीवी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अभी ऑर्डर करें सॉल्यूशन पिल्स। शिव जी, आप तो जानते हैं आजकल थाने की नैया कैसे गुड़गुड़ गोते खा रही हैं, कितनी सारी विपत्तियों ने घेर रखा है हमारे थाने को। एक ताजी मोटी हट्टी कट्टी मूछों वाली महाविपत्ति जो है ना, वो हमेशा हमारे आसपास मंडराती रहती है, बस उस विपत्ति से हमारी रक्षा कीजिए। और प्रभु आप तो जानते ही है कि ये विपत्ति कौन है, मैं तो कहता हूँ इस विपत्ति को भस्म कर दीजिए, सर्वनाश कर दीजिए इस मुसीबत का। शिव जी हमारी तरफ देखिए, हम हैं आपके सच्चे भक्त, आप अपने सच्चे भक्त की बात सुनिए। अरे प्रभु, ये छल कपट से भरे लोग भूल कर भी इनकी बातों में मन आइएगा प्रभु, वरना ये तो आपके भोलेपन का फायदा उठा के अपना स्वार्थ साथ लेते हैं। पुष्पा जी कल पूरा रात संतू जी का फोन ट्राई किया, पूरा रात उनका फोन स्विच ऑफ गया है, हमने पता करने की कोशिश भी की, कुछ पता नहीं चल रहा उनका। पुष्पा जी प्लीज कुछ कीजिए। मैडम सर हमको लगता है कि हम लोग को संतू जी घर पर चलना चाहिए, पता करना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं, मतलब कुछ बड़ा माजरा तो नहीं हो गया ना। रिलैक्स, देखो हम संतोष के घर ही जा रहे हैं, तुम चलो हमारे साथ। हाँ चलिए मैडम सर, चलिए। कांस्टेबल संतोष शर्मा को गायब हुए 24 घंटे हो चुके हैं, कानूनन उनके गायब होने की एफआईआर बनती है।
और जहां तक मुझे पता है डीएसपी सर के आपके लिए ऑर्डर्स हैं कि जब तक पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो जाता आप थाने में आने वाले किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। सो आई एम सॉरी, आप फिलहाल इस केस पे काम नहीं कर पाएंगी, इस केस को मुझे देखना होगा। सर हम तो काम कर सकते हैं ना, हम तो आपकी टीम में। बिल्कुल, चलिए चलिए मैडम। अरे रुकिए, हम कहाँ चले, आप तो उनकी टीम से है ना, मैडम की टीम से। ए दीवान शाह कर दिए ना छोटा बात, पुष्पा जी रिपोर्ट लिखिए ना, हम लिखवाते हैं संतोष जी गुमशुदा होने का रिपोर्ट, हमको फिकर है उनका। अब हो गए ना हम वादी कानूनन, अब जा सकते हैं चाचा। चीते तुम जाओ, हम लिखते हैं रिपोर्ट। जी पुष्पा जी, चलिए मैडम भाई। जाओ जाओ जाओ। मैडम चांस क्यों लेना, तोड़ दीजिए दरवाजा। एक मिनट, इसका कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक हमारा व्यूमन साइकोलॉजी कहता है ना मैडम, जो लड़की लोग ऐसे अकेले रहता है ना, वो लोग एक चाबी ना घर के बाहर ऐसे कहीं छुपा के रखता है, हम लोग चाबी खोजते यहीं पर कहीं मिल जाएगा। संतू मैडम, मैडम ये रहा चाबी, मैडम खोल। तुम तो खोलो खोलो संतू। संतू जी संतु जी, मैडम संतु जी अंदर भी नहीं है मैडम। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, पुलिस वाले होके इतनी गैर जिम्मेदार हरकत, अरे इस तरह तो पूरा एविडेंस टैंपर हो जाएगा। आदमी हो या आलू हो, पहले पूरा एविडेंस टैंपर कर दिया, पूरा पोछ रहे हो उसको, कहां से फोर्स में भर्ती हो गए तुम? मैडम संतु जी यहां पर नहीं है मैडम, कुछ पता चला क्या आपको? ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, संतु कैसे भाग सकती है, उसकी सारी चीजें तो यहां पे पड़ी है, सब कुछ फोन ये सब, उसके कपड़े वपड़े तो कहां गई वो? मैडम चाहे जो कुछ भी हो जाए, संतु जी को कुछ नहीं होना चाहिए मैडम। नहीं होगा कुछ नहीं होगा। मैडम वो कागज कैसा है? बहुत सोचा पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, थाना बंद हो जाएगा, पूरी टीम बिखर जाएगी, सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मैं अकेली हो जाऊंगी, मैं उन लोगों के बिना कैसे रहूंगी? थाना बंद हो गया तो मेरे पापा को मौका मिल जाएगा मेरी शादी करवा देने का, ऐसा हुआ तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? लगता है सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी मैं, सर फट जाएगा मेरा, अब और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं सबसे दूर चली जाना चाहती हूँ, जहाँ ये डर मेरा पीछा ना करे। सर दूर मतलब, मेरा मतलब दूर अगर पैदल गए तो चौराहा भी दूर ही लगता है ना वैसे। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता संतोष शर्मा, ये संतोष शर्मा है ही नहीं, हम जानते हैं उसे बहुत अच्छे से, ये संतोष शर्मा जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, खतरे में है, और ये किसी और ने लिखा है जानबूझकर, ये किसी और की चाल है। हाँ मैडम सर, हमको भी लग रहा है कि संतोष जी ठीक नहीं है पुष्पा जी। अगर ऐसा है ना मैडम सर, तो खतरे में वो इंसान होगा जिसकी वजह से ये पूरा मुसीबत हुआ है। अगर सच में मैडम सर आपका अंदेशा ठीक है ना, तो मैया कसम बता रहे हैं कि उस इंसान को ना हम खोद के निकालेंगे, अगर हमारी संतु को थोड़ा सा भी खरोच भी आएगा ना, उस इंसान के परखच्चे उड़ा देंगे हम, और उसका पूरा जिंदगी अपना परखच्चे समेटने में लग जाएगा। हमारी संतु मुसीबत में नहीं हो सकती मैडम सर, बिल्कुल नहीं हो सकती, उस इंसान को हम पकड़ेंगे उस इंसान को। सर मैं संतोष शर्मा की डायरी लेकर आता हूँ, देखते हैं हैंडराइटिंग मैच होती है या नहीं, प्लीज जल्दी कीजिए। कोई जरूरत नहीं है, हम संतु की लिखावट पहचानते हैं, उसी ने लिखाई है। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये संतोष शर्मा हो ही नहीं सकती, हमारा दिल नहीं मानता। क्यों नहीं हो सकती, हैंडराइटिंग तक मैच हो रही है, चीता चतुर्वेदी ने अभी कहा कि एक दो दिन से वो कितनी टेंस नजर आ रही थी, और लेटर खुद ब खुद बयां कर रहा है कि कितनी एक्सट्रीम स्ट्रेस में थी वो लड़की, अपने फ्यूचर को लेकर कितना इनसिक्योर थी वो, और एक डरा हुआ हताश निराश इंसान जान नहीं देगा तो और क्या करेगा?
और आप जानती हैं सबकी नौबत किसकी वजह से आई? आपकी वजह से हसीना मलिक। और आप जानती हैं सबकी नौबत किसकी वजह से आई है? आपकी वजह से हसीना मलिक। ना आप उस बॉम्ब थ्रेट वाली लड़की को वहां से जाने देती, ना ये मामला डीएसपी सर तक पहुंचता, ना आपके हाथों से इस थाने को फिसलने की नौबत आती और ना ही संतोष शर्मा को इतना बड़ा स्ट्रेस फील करना पड़ता। और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है हसीना मलिक। अगर संतोष शर्मा को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? सिर्फ आप। करिश्मा सिंह, आप हमारे साथ चलिए, संतोष शर्मा को जाकर ढूंढना है। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप किसकी बातों में आ रही है? पागल इंसान है वो, कुछ भी बक रहा है। आपकी वजह से संतू को कैसे कुछ कभी हो सकता है? वो तो कल के आए हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं है कि आप किस तरह से सींच कर संभाल कर पाला है आपने उसे बच्चे की तरह। आपकी वजह से उसे कैसे कुछ? आप जिम्मेदार नहीं है मैडम सर। हम ही जिम्मेदार है पुष्पा जी। अगर इस थाने में किसी के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर भी सुसाइड, खुदकुशी? संतोष शर्मा खुदकुशी कैसे कर सकती है? वो अपनी संतो है पुष्पा जी, वो फाइटर लड़की है, वो मजबूत है, वो सुलझी हुई है, वो इमोशनल हो सकती है, वो थोड़ी इनोसेंट हो सकती है, वो झल्ली भी हो सकती है, लेकिन खुदकुशी के बारे में कभी नहीं सोच सकती। पुष्पा जी, हो ना हो संतू खतरे में है, वो जहां कहीं भी है हमारा इंतजार कर रही है, उसे हमारी जरूरत है और हम उसे ढूंढेंगे। पुष्पा जी, आज तक हमने संतू की आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दिया है तो फिर कुछ और कैसे होने दे सकते? चाहे कहीं भी हो, संतोष शर्मा को तो हम ढूंढ ही लेंगे। अमर सर, माफ कीजिएगा लेकिन हम संतू को ढूंढने जाने वाले थे और आप अभी तक ये नोट ही पढ़ रहे हैं। कागजों पर कुछ नहीं मिलने वाला सर, हमको यहाँ से थाने से बाहर जाना होगा, हमें संतू को ढूंढना होगा। हम चले सर। आपको लगता है संतोष शर्मा ऐसे मिल जाएगी? अगर आपको लगता है तो आप जा सकती हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट एक बात बताइए, कहाँ ढूंढेगी आप उन्हें? क्या लगता है आपको, बिना एम के बाहर जाकर उन्हें ढूंढने में अकलमंदी है या किसी लिंक, किसी क्लू के थ्रू उन तक पहुँचने में समझदारी है? तो आपके कहने का मतलब है कि कोई वो लिंक, वो क्लू इस नोट पे मिलेगा हमको सर? बिल्कुल, हर क्लू अपने सबूत तक पहुंचने की कहानी खुद ब खुद कहता है, बस कोई सुन सके तो। इसलिए संतोष शर्मा का ये लेटर भी बहुत कुछ कह रहा है, अगर कोई सुन पाए तो। सर, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी करिश्मा से, सुसाइड करने वाला अक्सर अपना सुसाइड नोट वहीं छोड़ता है जहां वो सुसाइड करता है, इसलिए उसके हमलावर ने भी उसका सुसाइड नोट वहीं छोड़ा ताकि उनकी मौत सुसाइड डिक्लेयर हो सके। अगर ये काम आक्रमणकारी का है तो फिर ये लेटर ये संतू के हस्तलेख में काहे है? आपको क्या लगता है? और प्लीज दिल से नहीं, दिमाग से सोचिएगा, क्योंकि दिल से दिमाग का रास्ता बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। संतू से जबरदस्ती लिखवा दिया है ये सुसाइड नोट, है ना? हो सकता था बट ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए ना, अगर ये लेटर जबरदस्ती उनसे लिखवाया गया होता तो हैंडराइटिंग इतनी साफ, इतनी शार्प, इतनी सटीक नहीं होती। हर कॉमा, हर फुल स्टॉप का ध्यान रखा गया है। अगर कोई शब्द गलत भी लिखा गया है तो उसे काट कर ठीक किया गया है। क्या आपको लगता है कि जबरदस्ती लेटर लिखने वाला शब्दों की इतनी गलतियों का ध्यान रखेगा? इसका मतलब संतू के आक्रमणकारी ने संतू की हैंडराइटिंग को कॉपी ही कर दिया। करिश्मा सिंह, ये रियल वर्ल्ड है, मनमोहन देसाई की कोई पिक्चर नहीं जिसमें विलन बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है और अपने खड़े पैर वो किसी की भी हैंडराइटिंग ऐसे कॉपी कर लेगा। ये लेटर लिखा तो संतोष शर्मा ने ही है, उसके हमलावर ने नहीं। सर, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, हम सब घूम गया है, आप कैसे कह सकते हैं आप ये? ये देखिए करिश्मा सिंह, ये कोई डायरी से फाड़ा हुआ पेपर नहीं है जिसपे संतोष शर्मा रेगुलरली लिखती है। ये कोई रैंडम डेस्क पे पड़ा हुआ कोई रफ पेपर है जिसपे हम लोग अपने थॉट्स लिखते हैं या कई बार हम बोर हो रहे होते हैं तो कुछ ड्रॉ कर देते हैं।
संतोष शर्मा ने भी इस पर अपने थॉट्स लिखे थे और उसी बात का फायदा उस हमलावर ने उठाया और इस नोट को सुसाइड नोट बना दिया। अब सही है सर, पर हमारा सवाल अभी भी कायम है। अगर संतू के हमलावर का प्लान था कि वो संतू की मौत को आत्महत्या सिद्ध करना चाहता है, तो वो संतू को उठाकर काहे लेके गया? और है कहाँ हमारी संतू अभी? टेंशन मत लीजिए करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा बिल्कुल ठीक है करिश्मा सिंह, और हम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे।